वेलकम सर, गुड आफ्टरनून सर। प्लीज बैठिए। थैंक यू सर। आप अपना परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम शुभम है, मैंने जूलॉजी के साथ ग्रेजुएशन किया है और हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल के साथ मैंने बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया है और आपके समक्ष आज इंटरव्यू के लिए उपस्थित हुआ हूँ। सर, मेरा हॉबी वेब सीरीज देखना और पॉडकास्ट सुनना है। अब ये बताइए कि किसी भी इंडिविजुअल के लाइफ में हॉबी कितना इम्पोर्टेंट है? सर, हॉबी का हमारी लाइफ में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि जब हम अपने रेगुलर जो भी वर्क करते हैं उनसे जब हम बोर हो जाते हैं तो हमें एक कोई ना कोई ऐसे रिक्रिएशनल एक्टिविटी की आवश्यकता होती है ताकि हम खुद को रिजुविनेट कर सकें। तो ऐसे हॉबी होना ज़रूरी है। तो इस परिस्थिति में हॉबी हमारे लिए काम आता है। और अगर मैं ये कहता हूँ कि हॉबी को ही आप काम बना लीजिए, यस सर, तो हॉबी का कितना ज़रूरत है बताइए। यस सर, ये काफ़ी सकारात्मक इसका भूमिका होगा सर, क्योंकि जो आपका हॉबी है अगर आप उसको ही काम बनाते हैं तो सर बोरियत महसूस नहीं होगी। और इसमें तब हॉबी क्या होना चाहिए सर? तो इसमें तो काम बन गया। हाँ नहीं, हॉबी क्या रहेगा फिर? तो सर आपने हॉबी को काम बना लिया तो इसमें मैं कह रहा हूं, काम की वजह से उत्पन्न होने वाली बोरियत या फिर जो समस्या थकान है वो शायद इसमें नहीं होगी या कम होगी। अच्छा, तो इसका मतलब बिना हॉबी का भी लाइफ चल सकता है अगर हॉबी को ही काम बना लिया तो? यस सर, या फिर कोई और हॉबी एक्सप्लोर कर सकते हैं सर। अच्छा, दूसरी बात है कि आप जैसे बोल रहे हैं कि काम करते करते अगर थक गए तो हॉबी, हॉबी करते करते कोई थकता नहीं है क्या? यस सर, हॉबी हम करते हैं जब हम काम से बचे हुए समय में। हाँ, जब हमारे पास वही मैं कह रहा हूँ, मतलब आप थोड़ा थक गए तो रिलैक्सेशन के लिए हॉबी। यस सर, हॉबी से भी स्ट्रेस क्रिएट हो सकता है। बिल्कुल सर, अगर तो आप मुझे ये बताइए कि वेब सीरीज एंड लिसनिंग पॉडकास्ट, ये जो भी आपका हॉबी है, व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेस विल बी जनरेटेड? सर, वेब सीरीज से तो आई स्ट्रेन हो सकता है सर, अगर बिंज वॉचिंग हम करने लगे तो एक आई स्ट्रेन हो सकता है, साथ ही साथ मेंटली भी लोगों को एक थोड़ा स्ट्रेस हो सकता है, क्योंकि आप एक ही टाइप के कंटेंट अगर कंज्यूम कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय तक। और सर, मुझे कुछ और अभी महसूस नहीं है। अगर कंटेंट का क्वालिटी अगर डिग्रेडेड हो तो क्या हो सकता है? सर, कंटेंट की क्वालिटी एक तो सर मनुष्यत हो सकती है, क्योंकि अगर आपको कंटेंट पसंद नहीं है फिर भी आप उसको देख रहे हैं क्योंकि आपका हॉबी है वेब सीरीज देखना, तो सर उससे ठीक है, और मेंटल स्ट्रेस हो सकता है। और सर, एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी है उसका कि आपके मनोविज्ञान पर भी असर पड़ सकता है, अगर कुछ नकारात्मक जैसे हिंसा या फिर स्त्री प्रताड़ना से संबंधित विषयों पर अगर आप ज़्यादा देखते हैं तो उसका एक मनोवैज्ञानिक असर हो सकता है, लेकिन इसकी कोई निश्चितता नहीं है, लेकिन हो सकता, संभावना बनती है। अच्छा, अच्छा, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में क्या इम्पैक्ट करता है इस टाइप का, जो भी आपने नेगेटिव साइड्स आपने बताए हैं? यस सर, इससे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में जैसे हस्बैंड वाइफ के बीच मान लीजिए सर, अगर कई बार मनोवैज्ञानिक तौर पर अगर असर करता है तो इससे हो सकता है कि पारिवारिक संबंधों में थोड़ा दूरी पैदा हो। और क्या क्या हो सकता है सर? एक हिंसक व्यवहार हो सकता है, क्योंकि अगर हम हिंसक कंटेंट को ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं या फिर तो उससे तो क्या आपको लगता है कि इस टाइप के हॉबीज वन शुड रियली फॉलो और वन शुड हैव? सर, हमारे पास वास्ट वैरायटीज हैं वेब सीरीज में ही, कंटेंट के मामले में ही अलग अलग जॉनर हैं जिनमें कि हम जिसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो इसलिए मुझे लगता है हॉबी से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आपके हिसाब से कोई दिक्कत नहीं सर? ठीक है, ऐसा किसी इंडिविजुअल का नाम बता सकते हैं जिन्होंने जिनका हॉबी को ही उन्होंने काम बना लिया है? सर, आजकल अपने बायोग्राफी में कहीं पे लिखा है? नहीं सर, इस संबंध में मुझे कॉल नहीं कर पा रहा हूँ। सर, कौन सा वेब सीरीज देखे है लास्ट में? सर, अभी लास्टली मैंने स्कूप देखा है। स्कूप? यस। किस बेसिस पे है? सर, ये कुछ सालों पहले मुंबई में एक क्राइम रिपोर्टर हुआ करते थे जेडे, उनकी हत्या हो गई थी, तो ये मीडिया पुलिस और अंडरवर्ल्ड के नेक्सस पर आधारित है। कहाँ देखा आपने इस वेब सीरीज को? सर, मैंने सोनी लीव पर देखा। सोनी लीव पे, ओटीटी पे देखते यस, हैं। यस, ये बताइए कि अभी कुछ दिन पहले गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर ने
एक गाइडलाइन जारी किया था टोबैको एडवर्टीजमेंट के रिगार्डिंग ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, क्या था वो? सर, इस गाइडलाइन में ये कहा गया था कि जो भी मादक पदार्थों का जब भी इस्तेमाल सीन में इस्तेमाल होगा वेब सीरीज में, तो वहाँ पर एक वार्निंग इशू करना पड़ेगा। बस यही था। अभी रिसेंट में जो जिसको अभी कुछ दिनों पहले वापस भी ले लिया गया है। सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा चलिए, मैं आपको सिचुएशन देता हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने अभी कुछ दिन पहले ये गाइडलाइन जारी किया कि कंटेंट जो भी आप देखेंगे, शुरुआत में एडवर्टीजमेंट आएगा जो जैसा आप हॉल में देखते हैं, सिनेमा हॉल में, फिर बीच में आएगा, फिर एंड में आएगा। इसको अभी वापस ले लिया है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि ऐसा करके सरकार हमारे प्राइवेट स्पेस में घुस रही है? नहीं सर, सरकार का उद्देश्य है लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करना। तो चूंकि कंटेंट का कंजम्पशन काफ़ी अधिक बढ़ा है, लोग काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर, तो सरकार का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि ताकि लोगों के अंदर ये बात डाली जाए, इनका जो निगेटिव आस्पेक्ट है जो भी मादक पदार्थ हैं, तो इस संबंध में सरकार यहाँ पे प्राइवेसी से इसका बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई संबंध है सर। क्यों? अगर मान लीजिए कि सरकार का उद्देश्य है हमको जागरूक करना, तो कहाँ तक सरकार घुसेगी? हम सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड अपने घर में करते हैं, तो क्या इसका मतलब घर में घुस के हमको अवेयर करेगी कि नहीं आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए? ओटीटी का मतलब क्या है? ओटीटी तो हम प्राइवेट कंजम्पशन ही करते हैं, अकेले बैठ के देखते हैं, या ऑप्शन होता है कि जिसको कोई नहीं देखे हम अपने च्वाइस के हिसाब से देखें, वहाँ हमको क्यों दिखाया जाना चाहिए ये टोबैको एडवर्टीजमेंट एंड ऑल? सर, इसके पीछे बस एक सकारात्मक विचार है सरकार का कि लोगों को इसके कमियों के बारे में बताया जाए, इसकी जो हानि, इसका जो नुकसान है टोबैको कंजम्पशन का, इसके बारे में अवेयर किया जाए। तो इस संबंध में अधिक से अधिक जागरूकता कैसे फिर बस सरकार का इतना। अगर ये स्टेप ले लेती है सरकार और ओटीटी को करना पड़ जाए अगर कल को, यस सर, तो क्या निगेटिव होगा इसका? सर, निगेटिव बस इतना हो सकता है कि बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा लोगों को, जैसे वो अभी वो बिंज वॉचिंग करते हैं तो लगातार कंटेंट चलते रहता है। तो अगर जैसे अभी बिंज वॉचिंग क्या होता है? जब आप सर किसी भी वेब सीरीज को या फिर कोई भी कंटेंट को आप लगातार हर एपिसोड को आप लगातार एक ही बार में एक ही शिफ्ट में खत्म करने का प्रयास करते हैं सर, तो इसे बिंज वॉचिंग में दिक्कत होगा? दिक्कत नहीं होगा सर, बस एक थोड़ा बीच में डिस्टर्बेंस हो सकता है कुछ सेकंड के लिए या कुछ जितने भी देर का वो सर इशू होगा। और इतना सारा कंटेंट जो पड़ा है उसको फिर से एडिट करने के लिए उस प्लेटफॉर्म को प्रॉब्लम नहीं होगा? सर, ये मुझे लगता है आजकल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण ये काफ़ी बहुत मुश्किल नहीं होगा सर। ठीक है, आपका हिंदी लैंग्वेज है, यस सर, भाषा और बोली में क्या अंतर है? सर, भाषा का एक व्याकरण होता है सर, निश्चित व्याकरण होता है उसका, उसकी एक लिपि होती है, और साथ ही साथ भाषा में सर स्थान के साथ परिवर्तन बहुत कम होता है या फिर नहीं होता है। लेकिन बोली में सर ना उसकी व्याकरण, बोली की व्याकरण निश्चित नहीं होती, लोग उसको अपने अनुसार से प्रयोग करते हैं सर, और साथ ही साथ बोली में क्षेत्रीयता का भी काफ़ी असर पड़ता है, क्षेत्रीय आधार पर भी कुछ ना कुछ परिवर्तन उसमें होते जाते हैं सर। मेरा लास्ट सवाल आपसे, भाषा विज्ञान और भाषा शास्त्र में क्या अंतर है? सॉरी सर, मैं अभी ये रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। शुभम, यस, साहित्य में ही हम बात करते हैं, यस, हिंदी लिटरेचर में आपने क्या पढ़ा है इसके अलावा, जो आपका सिलेबस है? यस सर, इसके अलावा भी कुछ पढ़ा है? यस सर, अभी मैं कुछ दिनों पहले सर फणीश्वरनाथ रेणु मेला आंचल पढ़ रहा है। यस सर, वर्तमान साहित्य में कुछ पढ़ा आपने हिंदी के? यस सर, वर्तमान में सर समकालीन लेखक है अनिरुद्धपाल मृणाल जी, मैंने उनका उपन्यास पढ़ा है सर। अच्छा, जो उन्होंने लोक सेवक के संदर्भ में लिखा है? यस सर, डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स। आपने कोई और साहित्य नहीं पढ़ा हिंदी में माध्यम का? सर, मैंने कुछ दिनों पहले श्रीलाल शुक्ल जी का राग दरबारी पढ़ा था। मैं वर्तमान साहित्य के बारे में बात कर रहा हूँ, हिंदी में जो अभी लिखा जा रहा है। यस सर, ठीक है, श्रीलाल शुक्ल का आपने राग दरबारी पढ़ा? अभी के संदर्भ में सर मैंने सत्य ब्यास जी को पढ़ा है सर, उनका बनारस टॉकीज एक उपन्यास है जो कि BHU के छात्र राजनीति पर आधारित है, तो उसको मैंने पढ़ा है। उसके अलावा बनारस के ऊपर BHU के ही ऊपर एक और आधारित उपन्यास है, जानने की कोशिश की आपने कुछ है? यस सर, निखिल सचान, शायद जहाँ तक मुझे याद आ रहा है निखिल सचान का एक उपन्यास है, काशी काशी है एक। यस सर, काशीनाथ सिंह जी का काशी काशी है, वो भी पढ़ा है सर मैंने। ये सारे पढ़े हैं आप? जी सर। काशी के 80 में दरअसल वो कहना क्या चाहते हैं?
सर यूँ तो काशी काशी पड़े मुझे लगभग 2 साल से ज़्यादा हो गया है। अच्छा, तो उसका मर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं गेस कर सकता हूँ। बताइए। सर काशी काशी में दरअसल 1990 के दशक की बात की गई है, साथ ही साथ उस वक्त देश और राजनीति में क्या चल रहा था उसके ऊपर लेखन किया गया है सर, समाज को भी इसमें शामिल किया गया है। नहीं ऐसा नहीं, बनारस के संदर्भ में है, बनारस के बीएचयू और उसके आसपास का जो इलाका है। आप गए हैं बीएचयू कभी? यस सर, मैं एक बार गया हूँ। कोई ऐतिहासिक संदर्भ पढ़ा हुआ आपने? सॉरी सर, मैं अभी नहीं कर पा रहा हूँ। तिलका मांझी के बारे में बताएंगे आप? यस सर, बताइए। तिलका मांझी सर संथाल परगना और भागलपुर क्षेत्र के सर एक आदिवासी क्रांतिकारी थे, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी थी और इसी लड़ाई के क्रम में उन्होंने अपना बलिदान भी दिया था सर। किस आदिवासी समुदाय से संबंधित थे वो? सर ये मैं भी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं कर पा रहा? नहीं सर। हमें उन्होंने ये कहना कि वो संथाल परगना से उन्हें जोड़ना, यस, या बेहतर होगा या फिर हम उसे उन्हें कहते कि वो एक पहाड़िया आदिवासी थे? यस सर, क्षेत्र के आधार पर सर संथाल परगना क्षेत्र था उस वक्त, हाँ, लेकिन शायद वो पहाड़ी आदिवासी थे सर। यस सर, सामाजिक रूप से वो पहाड़िया समाज से थे, लेकिन क्षेत्र के अनुसार पहाड़िया और संथालों के बीच का जो संघर्ष हुआ था, यस, उसके बारे में कुछ आइडिया है आपके पास? नो सर, कोई जानकारी नहीं है। नो सर, उस संघर्ष से जुड़ा हुआ कोई उपन्यास भी आपने नहीं पढ़ा होगा? नहीं पढ़ा सर। मान लीजिए कि प्रशासनिक अधिकारी हो जाते हैं, yes, जैसा आपने भरा है नंबर 1 बिहार प्रशासनिक सेवा में, yes, sir, आपको एक मेला आयोजित करने की जिम्मेदारी दी जाती है, yes, sir, 15 दिवसीय कोई मेला आयोजित करना है, उसकी सारी चीज़ें आपको करनी है, सब yes, कुछ करना है, yes, sir। आप शुरुआती 4-5 चीज़ें क्या दिमाग में रखेंगे, क्या करेंगे आप, हमको वो बताइए, क्रम से बताइएगा। yes, sir, मेला आयोजन के लिए सबसे पहले तो मैं उस क्षेत्र की जो मेला समिति है उसके साथ बैठक कर। मेला समिति क्या है? सब कुछ आपको करना है, सारा कुछ आपको करना है। ओके सर, सबसे पहले मैं स्थान, सरकार ने आपको जिम्मेदारी दे दी है उस मेला आयोजन की। यस सर, सबसे पहले सर मैं स्थान निर्धारित करूंगा जहां पर वो मेला आयोजित, वो भी निर्धारित है, आगे बढ़े तो सर मैं उसका निरीक्षण करूंगा, उसके बाद देखूंगा कि वहां पर मेला के संबंध में सर जो सारी सुविधाएं होनी चाहिए अनिवार्य हैं, जैसे कि सर सैनिटेशन की सुविधा, वॉशरूम, या फिर और उसके बाद भी सर सिक्योरिटी की सुविधा, क्योंकि सर भीड़ होगी तो महिलाओं या बच्चों के खिलाफ अपराध की बढ़ने की संभावना भी है, तो उस क्षेत्र में और वहाँ पे सर पुलिस बल का कितना उपयोग हो सकता है उस संबंध में मैं निर्धारित करूँगा। साथ ही साथ सर आपदा से संबंधित, क्योंकि भीड़ जुटने पर आपदा का भी कारण बन सकता है सर, तो मैं आपदा प्रबंधन के में भी विभाग से मीटिंग करूँगा, और उसके बाद अग्निशामक और एम्बुलेंस ऐसे जो भी इमरजेंसी सेवाएं। कितने नंबर हो गए? 1, 2, 3, 4, 5 कहाँ तक पहुँचे आप? सर मैं अभी 3rd नंबर तक पहुँचा। 3rd तक, हाँ, और बताइए। इसके बाद सर मैं उस क्षेत्र में मेला का प्रचार प्रसार करवाऊंगा ताकि अधिक से अधिक लोग आ सकें। ठीक है, अब मैं आपसे कहूँ कि आप इस पर फिर से विचार करिए, तो आप फिर से यही बताएंगे सर? आप क्रम पर विचार करिए अपने जो आप स्टेप उठा रहे हैं। यस सर, तो आप यही बताएंगे? कोशिश कर सकता हूँ सर। यही बताएंगे ना? यस सर। ठीक है, ठीक है, इंटरव्यू सो, थैंक यू सो। शुभम, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? सर मुझे थोड़ा लगता है अपने सब्जेक्ट को देखना पड़ेगा, ऑप्शनल सब्जेक्ट को, और साथ ही साथ सिचुएशन रिलेटेड क्वेश्चन को भी। हाँ, सिचुएशन रिलेटेड क्वेश्चन हैं, और वैसे जो एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन कई बार वो पूछ लेते हैं, है ना? यू आर ए गुड कैंडिडेट, है ना? आपका बॉडी लैंग्वेज भी पॉजिटिव है, आपका प्रेजेंटेशन भी अच्छा है, और आप ठीक ठाक आंसर भी दे रहे थे। हैंड मूवमेंट थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, okay, क्योंकि वो ज़्यादा हो रहा था। और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन में जो सर का क्वेश्चन था, बेसिकली जब आप कोई एक स्पेसिफिक कम प्रोजेक्ट बोलते हैं, yes, जैसे 15 दिन का है, 20 दिन का है ना, तो कभी भी किसी प्रोजेक्ट को अगर आपको सक्सेसफुली अगर करना है, कंप्लीट करना है, yes, तो एक डेडिकेटेड एक टीम आपको पहले वो करना पड़ेगा, एक टीम होना चाहिए, मतलब एज अ टीम आप काम करेंगे प्रोजेक्ट में जो लोग रहेंगे,
वो तो सब ठीक है कि आपको साइट पे जाना है, आपको देखना है कहाँ पे हैं। फिर जब आप टीम करेंगे तो साथ में एक डेडिकेटेड एक फ़ंड भी आप साथ में रखेंगे, कि मतलब ऐसा नहीं है कि हर काम के लिए आपको फिर टॉप ऑफिशियल के पास जाना पड़ रहा है उसको सैंक्शन लेने के लिए, है ना। तो एक डेडिकेटेड फ़ंड क्रिएट होगा जिसको हम कई बार स्पेशल पर्पस व्हीकल बोलते हैं, SPV बोलते हैं। तो वो इस टाइप का कोई फ़ंड आपको क्रिएट करना पड़ेगा जो एक्चुअल फ़ंड से थोड़ा सा हटके रहेगा। और आपको अथॉरिटी देना पड़ेगा जो आपके टीम में जो लोग काम करेंगे, राइट पर्सन आपको पिक करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, जो लोग मान लीजिए एक्सपीरियंस हैं या इस टाइप के काम पहले कर चुके हैं, और फिर उनको प्रॉपर अथॉरिटी देना पड़ेगा तो वो उस काम को कर सकें। एंटायर जो आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं कि अथॉरिटी स्ट्रक्चर, कमांड, है ना, किस तरीके से होगा, रिपोर्टिंग होगा, बजटिंग होगा, प्लानिंग रहेगा उसमें, स्टाफिंग रहेगा, हर चीज़ मतलब आपको प्रॉपर करना पड़ेगा, तब जाके आप टाइम बाउंड मैनर में उस काम को कंप्लीट कर पाएंगे। समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूँ? Yes. इस टाइप से आप आंसर दे सकते हैं, उसके बाद ही आप ये सारा काम करेंगे जो आप बता रहे थे। Yes.